अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बीच में क्या कहने के लिए हूं, सेलो प्रेजेंट वाह भाई वाह। जिंदगी में अच्छे अच्छे जो काम नहीं कर जाते वो कई बार वो लोग कर देते हैं जिनसे अपेक्षा नहीं होती। एक जगह एक सवाल किया गया, सारे लोग खड़े थे। एक बहुत पढ़ा लिखा कोई पीएचडी स्कॉलर था, एक बड़ा साहित्यकार था और एक कोई गांव का ऐसा। सवाल किया गया, बताइए कोई आदमी गहरी नींद में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, तो कैसे जगाएंगे, वो जगने को तैयार ही नहीं है। तो पीएचडी स्कॉलर बोला, सर अगर वो नहीं जगा तो हम वहां जाके अलार्म बजाएंगे, अलार्म से भी नहीं जगा तो हम जरा बैंड बजाएंगे, बैंड बजाएंगे, बैंड से भी नहीं जगा तो उसके कान में जाके चिल्लाएंगे। नहीं, दूसरे को पूछा जो साहित्यकार था, आप कैसे जगाएंगे, गर्म गर्म पानी फेंक देंगे। बोले तब भी नहीं जगा तो। तो तीसरा खड़ा था ना, कछु करने का फालतू बात है, और जो गर्म पानी से नहीं जग रहा है, बैंड से नहीं जग रहा है, एक बात से जग जाएगा। बोले कैसे, हम जाके कान में कहेंगे तेरा मोबाइल तेरा बाप चेक कर रहा है, उठ के जग जाएगा। एक सेकंड, क्योंकि मोबाइल चीज ही ऐसी है लखन, एक जमाने में मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आती थी, अब मोबाइल गिर जाए तो लिवर फेफड़ा किडनी सब आ रहे हैं। हाल ये हो गया है कि अब डॉक्टर्स किसी को ये सूचना देनी हो कि बस आप तो निकलने वाले हैं, तो पहले एक जमाना था, हिंदी फिल्में आपने देखी होगी, तो डॉक्टर मरीज के पास आके कहता था, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नियति के हाथ तो मजबूर हैं। या फिर डॉक्टर ये कहेगा, भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। अब किसी को ये सूचना देनी हो कि तू निकल रहा है तो सूचना आके यूं दी जाती है, मोबाइल में से कुछ डिलीट करना हो तो कर दो। तरीके बदल गए, लोग इस कदर बदल गए कि ये चीज ही ऐसी है। पंकज प्रसून, तीन लोग बैठ के चार लोग खेल रहे थे और साथ में इतने में एक का मोबाइल बजा, उठा, सामने बीवी, हेलो जी वो साड़ियों की सेल लगी है, चार खरीद लूं क्या, आठ खरीद ले, आई लव यू। फोन रख दिया सामने वाले का, यार बीवी को बड़ा प्यार करते हो, बीवी गई भाड़ में, मोबाइल किसका है। जिंदगी में चीजें बदल जाती है, तरीके बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो आपकी हमसे मोहब्बत, आपकी मुझसे मोहब्बत। तो बदलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं लेके आता हूं हंसी खुशी ठाके, और वो तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी से दूर निकल रही है लेकिन हम उसे खींच के लाने की कोशिश करते हैं, हिंदी कविता उर्दू शायरी, वो लफ्ज वो अल्फाज वो रदीफ वो काफी वो नज्म वो कविताएं वो गजलें जिन्हें सुन के आप कहते हैं वाह भाई वाह। और उन्हें सुनाने के लिए हमारे पास ये तीन लोग बैठे हैं जिसमें से एक बेचारे बड़े उदास से हैं। ठीक ऐसा ही दृश्य है जैसे कोई लड़का अपनी बड़ी बहन के साथ और साथ में एक चालू कजिन और तीनों इसके लिए कोई लड़की देखने आए, और जब लड़के के परिवार वाला मेरी तरह कोई आगे खड़ा हो जाए तो ठीक वैसे ही मुस्कुराए।
इब्राहिम जरा खुल के मुस्कुराओ यार, क्योंकि तुम वो आदमी हो जब तुम पढ़ते हो तो सारा जमाना हंसता है। इब्राहिम सागर हमारे बीच दुलिया से, हम उनका स्वागत करते हैं। बैठो बैठो, नहीं बैठो, आराम 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 आराम। और इधर ये जो चालू कजिन है, अब देखो मुंह फेर रहा है, और कितना चालू है कि जिधर लड़की बैठी उधर ही मुंह फेर रहा है। पंकज कसून हमारे बीच में है, पंकज और इब्राहिम के बीच में, हमारे बीच में अपूर्वा चतुर्वेदी जो सतना की रहने वाली हैं, भोपाल में काम करती थी, इन दिनों मुरैना में कार्यरत है और हिंदी कविताएं करती है, उर्दू शायरी करती हैं। और कुछ कहना चाह रही हैं? ये मुश्किल होता है कि आप सरकारी मुलाजिम हो और फिर भ्रष्टाचार पे कविताएं पढ़ें, तो अच्छा हुआ कि सर ने वैसा कुछ परिचय नहीं दिया है। मैं प्रेम की कविताएं पढ़ती हूँ और निसंदेह आपको बहुत पसंद है। निश्चित तौर पे मुश्किल होता है जो सरकारी मुलाजिम हो और भ्रष्टाचार पे कविताएं पढ़े, ठीक वैसा ही जो शादीशुदा आदमी और सुख पे भाषण दे। तो आइए, बात अगर सुख की शुरू हुई है तो सारे दुख भगाते हैं और बुलाते हैं उसे जो दुख भगाने की कला यू जानता है, इब्राहिम सागर। जोरदार तालियों के साथ अर्ज किया है कि माना के दोस्तों में बहुत ही अपंग हूँ, माना के दोस्तों में बहुत ही अपंग हूँ, सलमान खान जैसा मैं लेकिन दबंग हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है। माना के दोस्तों में बहुत ही अपंग हूँ, सलमान खान जैसा मैं लेकिन दबंग हूँ, करते हैं अच्छे अच्छे मुझे देखकर सलाम, करते हैं अच्छे अच्छे मुझे देखकर सलाम, सब शायरों में तन्हा मैं तैमूर लंग हूँ। अर्ज किया है कि चाय पीने के लिए जब भी वो आ जाते हैं, चाय पीने के लिए जब भी वो आ जाते हैं, मुझको बैठा हुआ होटल पे ही पा जाते हैं। और जब भी आता है मेरा पान तेरे पान के साथ, जब भी आता है मेरा पान तेरे पान के साथ, जाने क्यों लोग मेरे पान को खा जाते हैं। अर्ज किया है कि जो इनके हाथ में सागर ये मोबाइल नहीं होता, वाह, तो खतरे में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होता। मुस्तकबिल अर्थात भविष्य, फ्यूचर। जो इनके हाथ में सागर ये मोबाइल नहीं होता, तो खतरे में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होता, तुम्हारी बज़्मों में आकर कभी रुखवा नहीं होते, तुम्हारी बज़्मों में आकर कभी रुखवा नहीं होते, तुम्हारा रॉन्ग नंबर हमसे जो डायल नहीं होता, नहीं होता है, तुम्हारा रॉन्ग नंबर हमसे जो डायल नहीं होता। अर्ज किया है कि बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। वो हाथों में चाय की प्याली थमाकर, वो हाथों में चाय की प्याली थमाकर, मिलाने लगी है शक्कर धीरे धीरे, चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, न मुझसे मिला तू नजर धीरे धीरे, चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, न मुझसे मिला तू नजर धीरे धीरे धीरे। वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है, वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है, पकाती है आलू मटर धीरे धीरे। बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, कटेंगे तुम्हारे भी पर धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह इब्राहिम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इब्राहिम, जब शेर पढ़ने आ रहे थे तो मैंने कहा मैं आपकी मदद कर दूं, बोला नहीं सर मैं खुद चलूंगा। जब व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास खुद पे हो तो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, इब्राहिम अपंग नहीं होता। जमाने की निगाह में सर मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, हाय हाय, हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए, चाहिए। वाह वाह, जमाने की निगाह में तुम्हारे पास एक कमी हो सकती है, लेकिन खुदा दाद जो सलाहियत है तुम्हारे पास, जो खुदा ने नेमत दी है, ईश्वर ने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है, ये शायरी के रूप में, इन अल्फाज के रूप में, लफ्जों के रूप में, यकीन मानिए तुम किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर हो, कहीं ज्यादा अच्छे हो। और
आदमी कहीं क्यों कैसा भी क्यों ना हो, जब उसमें मादा होता है तो उसे जमाना सलाम करता है। तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं, वो कहते हैं कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है, और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। इब्राहिम हमारे बीच में है, और आइए हम बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं उसे जो बहुत देर से वहां पे बैठा है और ताक कहीं और रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये ताका झांकी कुछ और बढ़े, तो पंकज प्रसून कम सुन। अरे शैलेश जी, ताका झांकी की बात कर रहे हैं, मैं जिससे कर रहा हूं ताका झांकी वो मुझे बांसती है राखी। और चार पंक्तियां और कह देता हूं कि तेरा मुझसे मेरा तुझसे कोई रिश्ता पुराना है। छे, छे, तेरा मुझसे, चले मैं चेंज कर दे रहा। रिश्ता पुराना मतलब यार, हद कर दे यार पंकज, मतलब कितना बेकार कमबैक था तुम्हारा यार, हद है तुम्हारी यार। बांध रही है राखी, क्या क्यों क्या मतलब है? क्या तरीका है ये? ढाका झाके करो तो हिम्मत से कहो। ये हिंदुस्तानी मर्द का लंपटपन, ये चालूपन है ना, तुरंत बांध रही है राखी करके। भाई बहन का रिश्ता बेहद पावन होता है, भाई बहन का रिश्ता बेहद पवित्र होता है, यदि निभा सको तो कहो वरना मत कहो, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ कहने भर के लिए नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तानी बहनें हाथ में राखी नहीं विश्वास बांधती हैं, और वो विश्वास बंधा होना चाहिए। आपने तो कहो मुझे, मैं अपनी पंक्तियां वापस लेता हूं। मैं जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे प्रेरणा लेने की कोशिश करूंगा जी। सुनिएगा कि तेरा ये मुझसे दूसरा लंपटपन, कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा, करूंगा नहीं मतलब। तेरा मुझसे मेरा तुझसे कोई रिश्ता पुराना है। वाह। तेरा मुझसे मेरा तुझसे कोई रिश्ता पुराना है, मोहब्बत के घरों में बंदिशों का भी ठिकाना है, और तू कर ले लाख चाहे बंद दरवाजे निगाहों के, तेरी दिल की खुली खिड़की से मेरा आना जाना है। हाय हाय, वाह, आहा हा हा, आदमी आदमी पाखंड में इस कदर डूब जाता है, आदमी पाखंड में इस कदर डूब जाता है, जो पहली लाइन में राखी की बात करता है तुरंत खिड़की से कूद जाता है। ऐसा तब होता है जब वो अपनी प्रेमिका से ऊब जाता है। आपको सुनाता हूँ व्यंग, सुनिए। पिछले दिनों आप सब ने गांधी जयंती मनाई होगी, चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं, पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। क्या बात है। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले, गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। वाह 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 पंकज वाह। एक और सुनिए कि गणित का एक छात्र जिसे सिर्फ जोड़ना सिखाया गया, गणित का एक छात्र जिसे सिर्फ जोड़ना सिखाया गया, भविष्य में खादी पहनी और हाथ जोड़ते पाया गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पंकज। उसने जमीन जोड़ी, धन जोड़ा, माफियाओं संग दामन जोड़ा, पूंजीपतियों से तार जोड़े, सैकड़ों संस्थाएं जोड़ी, समाज सेवी हजार जोड़े, उसके जोड़ का कोई तोड़ नहीं था, उसका हर गठजोड़ सही था, इसी गठजोड़ के चलते वो विजेता बन गया, यानी कि जोड़ने वाला छात्र देश का नेता बन गया। क्या बात है, क्या बात है बंकर। गणित के दूसरे छात्र को सिखाया गया घटाना,
उसने जमीन घटाई, वजन घटाया, धन घटाया, उसने हमेशा घाटे का सौदा किया, बच्चा भी सिर्फ एक पैदा किया, घटाने के कंपटीशन में दे रखी है दुनिया को मात, जेब में पैसों की जगह रखता है ऋण के कागजात, बिना घटाए उसका कोई काम नहीं बनता। क्या सोच रहे हैं साहेब, वो दूसरा छात्र, अरे वो दूसरा छात्र है देश की आम जनता, वाह वाह, देश की आम जनता, देश की आम जनता, वाह पंकज वाह। जोड़ने घटाने की बात करके तुमने देश के चरित्र पर और देश के चरित्रों पर बिल्कुल ठीक बात की। जिसने घटाना सीखा उसने पता नहीं क्या क्या घटा लिया, जिसने जोड़ना सीखा उसने पता नहीं क्या क्या जोड़ लिया। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर जोड़ सकें तो मोहब्बत जोड़िए, जोड़ सकें तो रिश्ते जोड़िए, जोड़ सकें तो अच्छी यादें जोड़िए, जोड़ सकें तो धन मत जोड़िए, जोड़ सकें तो बुराई मत जोड़िए, जोड़ सकें तो गम मत जोड़िए, उदासी को घटाइए, निराशा को घटाइए, हमारे आसपास फैली इस नकारात्मकता को घटाइए। तब नरेश शांडली जी का एक दोहा मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि जरा जरा सी बात पर रिश्तों को मत तोड़, जरा जरा सी बात पर रिश्तों को मत तोड़, अरे 7 अरब की भीड़ में 7 लोग तो जोड़। और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इब्राहिम सागर और पंकज प्रसूर, इन दोनों ने महफिल में जान डाल दी। ऐसा नहीं है कि महफिल में जान नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ और जान डाल दी। अब जान की कोई मात्रा तो होती नहीं है, डले डले न डले, थोड़ी ज्यादा डल जाए, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों ने जान लगा के अपना कविता पाठ किया और आपने दिल लगा के इन्हें सुना। और अब आइए सुनते हैं उसे जिसे सुन के दिल लगाने वाले तो सुनने में मजा लेंगे ही, और वो लोग भी मजा लेंगे कि भाई इन्हें सुन के तो कहीं ना कहीं दिल लगा दिया जाए। मोहब्बत चीज ही ऐसी है। और मोहब्बत को पढ़ने वाली अपूर्वा चतुर्वेदी हमारे बीच में सतना से आई हैं, जो नौकरी मुरैना में करती हैं और रहने वाली सतना की हैं, और आज हमारे बीच में मोहब्बत की शायरी करने आ रही है। तो भाई देर किस बात की है, आइए अपूर्वा चतुर्वेदी, जोरदार तालियों का। दिल किसी बात से और दुखता नहीं, दिल किसी बात से और दुखता नहीं, सर झुका है कहीं पर जो झुकता नहीं, सर झुका है कहीं पर जो झुकता नहीं, मैंने जो कुछ तक पहुंचता नहीं, जुड़ रहा एक रिश्ता जमाने से है, जुड़ रहा एक रिश्ता जमाने से है, और कोरोना में इश्क को इश्क रखा बहाने से है, इश्क को इश्क रखा बहाने से है, ये पहुंचेगा, क्योंकि मैं भोपाल रही हूं, दरिया और झील के किनारे रही हूं, तो ये भी सुनिएगा कि तू बड़ा
सनसनी खेज है, कोई शक नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह अपूर्वा कि तुम प्रेम पढ़ रही थी, निश्चित तौर पर वो तो लोग सुन ही रहे थे, लेकिन तुम बहुत मजे से पढ़ रही थी, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसे करते वक्त आनंदित नहीं होते तो उस करने का कोई फायदा नहीं है। तो जिस ढंग से, जिस मस्ती से आप पढ़ रही थी, वो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कोई नई प्रतिभा को पहली बार टेलीविजन के सामने लेके आता हूँ। सैकड़ों लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के लेके आए, उसमें से अपूर्वा चतुर्वेदी भी एक है। उसे उम्मीद भी नहीं होगी कि हमारा फोन उन तक पहुँचेगा, लेकिन इससे जाहिर होता है कि जितने लोग संपर्क करते हैं हमारी निगाह सब पे होती है, और उनमें से ज़रूर कोई ना कोई लोग चुन के हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही अपूर्वा चतुर्वेदी हमारे बीच में है। लेकिन हम जाते जाते कुछ और कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गम तेरे मेरे हो गए, गम तेरे मेरे हो गए, मेरा जो भी सुख है तुम्हारा है। गम तेरे मेरे हो गए, मेरा जो भी सुख है तुम्हारा है, जो मेरा है वो तो तुम्हारा है ही, जो दुनिया का है वो भी तुम्हारा है, जो कुछ है वो तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है, वो है हमारी मोहब्बत। यानी आप लोगों की ये मोहब्बत यूं ही बनी रहेगी, हम लोग रोज आपको कविताएं सुनाते रहेंगे, रोज आप हमारे साथ बैठ के ये कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है, शाम हो तो ऐसी, हम हर रात आपके साथ होंगे और हर रात आप कहेंगे वाह भाई वाह। आई